जो लो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्लो बोलती हूँ और धीरे बोलती हूँ, जो भी चीज़ें उनकी रहती हैं, और तेज़ बोलना चाहिए, फास्ट बोलना चाहिए, ये वो, बहुत ही स्लो हो ऐसे वैसे, तो उनके लिए मेरा एक जवाब है। मैं कल देख रही थी ना FB, तो मुझे उस पर, मतलब मैं ये चीज़ें तो जानती ही हूँ पहले से ही, लेकिन मुझे लगा कि देखो उसने बोला ये चीज़ें सही हैं, तो मैं वो क्लिप लगा देती हूँ, आप देख लेना। मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जो होते हैं ना वैसे लोग समझ जाते हैं, जो ऐसे टाइप के होते हैं वो नहीं समझते, तो वही चीज़ें हैं। तो मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती कि स्लो बोलने पे कि क्या है ये नहीं वो, लेकिन आप बस ये वीडियो आपको शेयर करना चाहूँगी, आप जरूर देखिएगा। जो मुझे ऐसे समझते हैं या जो बोलते हैं ना, उनके साथ जवाब मिल जाए, ठीक है, इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो में लगा देती हूँ, ठीक है, और देख लीजिएगा। बाय बाय। तो तीन सुपर पावर्स हैं जो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में अगर यूज करेंगे ना, सारी चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। बताओ, मैं नहीं रहने देती हूँ। बताओ, पक्की बात? अच्छा, तो ये तीन S हैं, आपको याद करने में भी ना बहुत आसानी होगी। एक तो है स्लो डाउन, धीमी गति कर लीजिए बातचीत की, चलने की, बोलने की। कभी कभी हम इतना फास्ट बोलते हैं हम अपनी ही बात नहीं समझ पाते हैं, चकर 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 चकर, या बहुत फास्ट चलते हैं, या बहुत रश में काम कर रहे होते हैं, तब ना एब्सेंट माइंडेडनेस हो जाता है। फिर हम पूछते हैं मेरा फोन कहाँ रह गया, अरे वो रिमोट कहाँ है, अरे मेरा वो बैग रह गया, अरे मैं लैपटॉप लेना भूल गया, अरे मेरा पर्स रह गया, होता है ना ऐसा। तो पहला सुपर पावर है स्लो डाउन। दूसरा सुपर पावर है साइलेंस। अब साइलेंस आप कहेंगे तो कम्युनिकेशन ही नहीं आता, चुप्पी करा दिया हमें, है ना। लेकिन साइलेंस बॉडी लैंग्वेज में ना बहुत स्ट्रांग चीज होती है और बहुत कॉन्फिडेंस देती है हमें। देखिए, इससे हमारी क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा तो बढ़ी रही है, और सामने वाले को हम बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं, सुनने की नीड, देखे जाने की नीड और एक्सप्रेशन की नीड। और हम भी बात को स्लोली प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसलिए साइलेंस बहुत पावरफुल टूल है। आप कहीं भी देखिएगा, जहां आपको कॉन्फिडेंट लीडर्स दिखेंगे ना, कॉन्फिडेंट सेलिब्रिटीज दिखेंगे, वो बहुत कम बोलते हैं, वो साइलेंट रहते हैं। तो ये तो हो गए दो S, स्लो डाउन एंड साइलेंट। तो तीसरा S कौन सा है वो भी बता दूं? पक्का? अच्छा, तीसरा S है स्माइल का। स्माइल ना सामने वाले को कंफर्टेबल कर देती है और हमें भी कंफर्टेबल कर देती है। देखिए, बॉडी भी ब्रेन का इन्फॉर्मर है। तो जैसे ही हम बॉडी को, मैं रिपीट करूंगी, जैसे ही हम बॉडी को सीधे बैठे हैं, पोस्चर अच्छा है, स्माइल कर रहे हैं, थोड़ा चुप रह रहे हैं, थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं, हमने क्या करा है, बॉडी पे ना नियंत्रण कर लिया है, बॉडी पे हमारा कंट्रोल आ गया। तो ब्रेन सोचता है दिस पर्सन इज इन कंट्रोल, मेरा मास्टर मेरे पे कंट्रोल रख रहा है, और आपको भी अच्छा लगता है। तो माइंड पे पकड़ आए ना आए, बॉडी पे पकड़ डेफिनेटली आ सकती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप जब पहल करें, किसी भी काम में, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, काम करना है, किसी से नई बातचीत करनी है, रिलेशनशिप के लिए जाना है, शादी के लिए किसी को देखने जाना है, जो भी काम हो, मैं नहीं कह रही इसको प्रोफेशनल होना चाहिए, पर्सनल में भी। तो ये तीन सुपर पावर्स यूज करके देखिए और फिर देखिए कि सारी बात आपके हाथ में कैसे आती है। बेस्ट बात, आपको सब कुछ दिखेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, और आपको कब क्या बोलना है आप मेजर्ड वे में बोलेंगे, आप सही बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलेंगे, और कम में भी आपको ज्यादा इंपैक्ट मिलेगा। अब साधन की बात करते हैं, तो ये बातचीत करना भी एक साधन है ना, रिसोर्स है। तो अगर हम बहुत बोल रहे हैं और को सामने से सुन ही नहीं रहा, तो व्हाट अ वेस्ट ऑफ माय टाइम, यही आता ना थॉट कि मैंने क्या समय बर्बाद कर लिया, है कि नहीं। और अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, है ना,
स्माइल करते हैं तो आप सोचेंगे मैंने कितना कम बोला, लेकिन कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत कॉन्फिडेंस दर्शाता है ये बॉडी लैंग्वेज। फिर भी मन का जो हलचल है वो रहेगी, फिर भी मन में वो सारी बातें रहेंगी, धीरे धीरे वो बातें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होंगी जितना आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस कॉन्फिडेंस से, इस बॉडी की शुरुआत से, इस पहल से ना आपको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा।